हेलो क्लास 12th, वेलकम टू जेनिथ गुरु। तो हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इंटेक्स क्वेश्चन, एंड आज का क्वेश्चन है 2.14। सजेस्ट टू मटेरियल्स अदर देन हाइड्रोजन दैट कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल इन फ्यूल सेल। हमें बताना है कि फ्यूल सेल में हाइड्रोजन के अलावा हम कौन से दो मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो हमें फ्यूल सेल के बारे में पता होना चाहिए कि फ्यूल सेल होता क्या है, ये काम क्या करता है। तो देखो, नाम से पता चल रहा है ये एक सेल है, ठीक है। ये एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, क्लियर। सो अ फ्यूल सेल जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अ फ्यूल सेल इज अ डिवाइस विच जनरेट अ फ्यूल सेल इज अ डिवाइस विच जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, पर कैसे, थ्रू एन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। जनरेट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू एन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, इसके थ्रू ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, ठीक है। समझ में आ गया, फ्यूल सेल में क्या क्या चाहिए होता है। फ्यूल सेल में हाइड्रोजन चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है, ये आपस में कंबाइन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड वाटर प्रोड्यूस करते हैं, क्लियर। सो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, इन अ फ्यूल सेल हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इन अ फ्यूल सेल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन combine together to give electricity, heat and water। अगर हम हाइड्रोजन यूज़ ना करना चाहें तो हम क्या यूज़ करेंगे इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन। हम दो मटेरियल कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं, इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन वी कैन यूज मीथेन CH4 एंड मिथेनोल, क्या हो जाएगा, CH2OH, मीथेन एंड मिथेनोल। तो ये इसका आंसर है। आई होप कि क्वेश्चन और उसका किस तरीके से आंसर करना है आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।